उद्बोधन की कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और हमारे बीच मालपुरा के पूर्व SDM प्रभारी लाल जाट मौजूद हैं। मैं प्रभारी लाल जी से आग्रह करूंगा कि आप भी अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से समाज को लाभान्वित करें। माननीय SDM साहब, जाट समाज सामन विवाह समारोह तत्वाधान में आज 16वां विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए मैं समिति के अध्यक्ष बद्री जी, रामदास जी, जगदीश जी, उमेश जी, इन सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री जी बाजिया जी जो भी जा चुके हैं कोई काम से, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे जाट समाज के अध्यक्ष सम्मान्य राजा राम जी मीर साहब, पूर्व विधायक सम्मान्य जीतराम चौधरी साहब, जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी साहब, बद्री जी, पठान जी और यहाँ पे विराजमान सभी पूर्व अध्यक्ष जो थोड़ा समितियों के रहे हैं थोड़े साल तक, उन सबको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि समाज के लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जो वास्तविक समाज को एक नई ऊर्जा और गति प्रदान कर रहे हैं और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जब अपन घर पे अलग विवाह करते तो लोग दुनिया भर के अतनाव से खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं, अरे करोड़ों रुपए में तो अपने यहाँ सैकड़ों बच्चों की शादियां कर देंगे, बच्चों की शादियां कर देंगे और ये समाज में जो बड़ा और छोटा और बड़ा का भेद है वो मिटेगा। इस प्रकार के समारोह करने से समाज में समानता आती है, एकरूपता आती है और गरीब को भी सहारा मिल जाता है। इसलिए इस प्रकार के आयोजन जो समाज द्वारा बद्री जी के नेतृत्व में किए गए, रामदास जी के नेतृत्व में किए गए, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि समाज में एक जो बुराइयाँ हैं वो बुराइयाँ इससे मिटेगी। दहेज पड़ता है, आज जयपुर में शादी में देखिए आप करोड़ों रुपए दहेज देते हैं, दहेज देकर के जैसे अपनी बेटी को बेच रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, कोई दहेज देकर शादी थोड़ी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बुराइयां वो यहाँ मिटती है, सभी को समान रूप से जितनी अपने समाज की क्षमता है सब मिलकर के एक सामूहिक रूप से विवाह करते हैं, उनको फायदा मिलता है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि जिस प्रकार के पैरावनी करते हैं, प्रभात लेके जाते हैं, उसके अंदर दुनिया भर के कपड़े ले जा करके, अरे मैं घाघरा लुगड़ी पहनता है, मेरे को घाघरा लुगड़ी दे रहे हो, मैं ले जाके बक्से में डाल दूंगा, फिर कभी मौका पड़ेगा तो उसको निकाल के किसी को दे दूंगा। फायदा क्या है? आप इस प्रकार की परंपरा डालें कि जो भी आपको देना है एक निश्चित राशि तय कर लें कि पैरा होने के अंदर सभी को 500 रुपये देने हैं, 2 रुपये देने हैं, 1000 रुपये देने हैं। वो पैसे तो गरीब के लिए सारा मिलता काम आता है, लेकिन इस प्रकार की जो पैरा होने की परंपरा है वो वास्तव में गलत है। ऐसी परंपराओं को छोड़ना चाहिए, इससे बाल विवाह की कुरीति पर अपनी रुकती है। आपको ध्यान है कि जो भी सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है उसके अंदर प्रमाण पत्र लिया जाता है कि लड़की 18 साल की हो गई, लड़का 21 साल का हो गया, उसके बाद में शादी होती है। तो बाल विवाह की जो बहुत बुरी कुप्रथा है उस पर भी रोक लगती है। आप देखते हो कई बार छोटे का ब्याह कर देते हैं, बेटी पट पट करके वो अधिकारी बन गई, उसको मना कर देते साहब तो उसके साथ नहीं जाऊँ तो गाय चढ़ा रहा है। तो इससे क्या रिश्ते टूटते हैं, संबंध टूटते हैं। तो इसके अलावा स्वास्थ्य पे कुप्रभाव पड़ता है, जब छोटी बच्ची की शादी करते तो छोटी उम्र में माँ बनती है तो उसका स्वास्थ्य पे भी गलत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे बच्चे का सारे जाट समाज बहुत समझदार हो गया, अब अपने को समझना पड़ेगा और समझ के आगे चलना पड़ेगा कि बच्चा 21 साल का हो जाए और बच्ची 18 साल की हो जाए जब भी उनका विवाह करना है, ताकि उनका शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। और समाज में कई प्रकार की कुरूतियाँ हैं, मृत्यु बोझ है, आज मृत्यु बोझ पे अपने अपना बाप मर गया तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उससे क्या फायदा है? अरे आप धर्मशाला में 2 कमरे बनाइए, स्कूल में 2 कमरे बनाइए, छात्रावास बनाइए, उसमें अपने बच्चे बच्ची गरीब पढ़ करके न जाने कहाँ पहुंचेंगे, पूरे समाज के विकास में योगदान देंगे। अपन बुरा मत मानना, मैं तो बुराई नहीं कर रहा हूँ। आज इस मंदिर के अंदर अपन ने कम से कम 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, 3.5 करोड़ में अच्छा सा छात्रावास बना देते जयपुर में, सांगानेर में या डिग्री मालपुरा में। कितने गरीब बच्चे पढ़ करके जिनके पास पैसा नहीं है, रहने का साधन नहीं है, वो बच्चे पढ़ करके आज कहाँ पहुंचते और समाज का नाम रोशन करते। लेकिन मैं तो ये कहूंगा इस प्रकार के अपव्यय नहीं करना चाहिए, ये फालतू का खर्चा है। कई बच्चों का जीवन बढ़े, कई समाज के लोगों का जीवन बढ़े, ऐसा काम करना चाहिए, मेरा एक सुझाव है। वो तो बाकी आपकी मर्जी है। और बाकी जिस प्रकार से केवाड़ा जी ने बहुत अच्छा यहाँ काम किया है, अभी भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई तो इसके अंदर आपको पता है कि समाज आगे कब बढ़ेगा, जब उसको प्रेरित करेंगे, चाहे बिजनेस में हो, चाहे खेती में हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे उद्योग में हो, किसी भी काम में हो, जो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको
उसको प्रोत्साहित करो, मोटिवेट करो, उसको सम्मान दो। किमारा जी के द्वारा मैंने देखा पूरे राजस्थान के अंदर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। जो बच्चे पढ़ करके प्रशासन में जा रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं 10वीं और 12वीं, उनका सम्मान किया जा रहा है। ऐसा सम्मान करने से पीछे वाले बच्चों को प्रेरणा मिलती है और वो भी पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं, उत्साहित होते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन आप देखो हर समाज के अंदर बड़े व्यापक स्तर पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। लेकिन अपने समाज में एक किमारा जी का जरूर देख रहा हूँ, कुछ ऐसा एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। तो ऐसे समारोह हर तहसील में होने चाहिए और तहसील स्तर में जो बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनको मोटिवेट करो ताकि समाज के लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो कुछ अच्छा काम करेंगे अपने समाज के अंदर। एक सबसे बड़ी बुराई और मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, सबसे बड़ी बुराई है टांग खींचने वाली। कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसको अपन सहारा नहीं देते, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। अरे यार फलाने का लड़का पटवारी कैसे बन गया? अरे यार पटवारी बन गया, उसने मेहनत की थी, भूखे मरा था, संघर्ष किया था, पटवारी बन गया। इसको साले को नीचे गिराओ, उसको नीचे गिराने से क्या मिल जाएगा? आप तो अपने बेटे को कलेक्टर बनाओ जब आपको मिलेगा। तो ये निगेटिव सोच को सोचिए आप, जो नकारात्मक सोच अपने समाज में है उस सोच को सोचिए। जब समाज आगे बढ़ेगा और टांग खींच वाली राजनीति रहेगी तो न तो अपन राजनीति में आगे बढ़ेंगे, न प्रशासन में आगे बढ़ेंगे, और अपने को कुत्ते के जैसे टुकड़ा डाल के कोई इधर ले जाएगा, कोई उधर ले जाएगा, और अपने एक अनाथ से बढ़कर ठगे से ले जाएंगे। अपना समाज इतनी जनसंख्या, इतना मजबूत समाज है, हम इतने ईमानदार आदमी हैं, इतने मेहनती आदमी हैं, लेकिन फिर भी पीछे लोग बने रहते हैं। क्यों? अपनी कमजोरी की वजह से। इसलिए अपनी कमजोरी को सुधारो। मेरी तो एक ही आपसे समाज से गुजारिश है, बहुत मजबूत समाज है, इसको मजबूत बनाने में अपना जो अहम है, हर आदमी क्या सोचता है कि मैं, ये अपने को मैं लेके डूबती है, मेरे से बड़ा कौन है? अरे भाई कोई तो बड़ा है, किसी एक को नेता मानो आप, सब मिलकर के एक को नेता चुनो। समाज के अंदर जब समाज का विकास होगा, समाज में टांग खींचने से समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए मेरा आप तो इस सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें मैं कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं करूंगा, लेकिन समाज में संगठन रहेगा तो मजबूत रहेंगे। और आपने सुना होगा कि बंदी बुआरी और खुल्या बात है, कोई गुआरी ने बांध रहा को काट का बारा बांध रहा को, जब तो शक्ति ले ली, नहीं तो अपने को तिनका तिनका बिखार देंगे, अपने झाड़ू में नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बद्री जी को, रामलाल जी को, उमेश जी को और जगदीश जी को, साथ ही कुंभा राम जी जो बहुत ही यहाँ के दुर्दारू हुए, सॉरी, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे आयोजन करके एक समाज को